बॉलीवुड इज बैक, ये मत सोचना कि ऐसा क्यों, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के और नेपोटिज्म के एक एक्टर की मूवी आ रही है कार्तिक आर्यन। इस समय फिलहाल सबसे सही और सबसे अच्छी एक्टिंग अगर कोई कर रहा है तो वो है कार्तिक आर्यन। प्यार का पंचनामा के बाद अब तक कार्तिक ने कई फिल्में करी है लेकिन इनका फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब 29 जून को इनकी एक और फिल्म आ रही है ऐसी, जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। अब फिल्म में आपको कार्तिक और कियारा दोनों साथ में दिखेंगे। इसका ट्रेलर आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना। ट्रेलर ओवरऑल काफी कलरफुल लग रहा है, वही हैप्पीनेस जो कार्तिक आर्यन की मूवीज में होती है, मगर इसकी जो कहानी लग रही है वो काफी रिपीटेड टाइप की लग रही है। कलरफुल लव स्टोरी और एंड में एक सैड सस्पेंस। अब ट्रेलर के हिसाब से इन दोनों की मैरिज हो जाती है, बट एक ऐसी सच्चाई जो शायद किसी को नहीं बतानी होती, लेकिन कियारा बता देती है कार्तिक को, अगर इस सच्चाई को गैस करे तो ये कोई हेल्थ इशू होगा। अब अगर ऐसा ही होता है तो ये बन जाएगी ऐ दिल मुश्किल की तरह, इसलिए इसको एक रिपीटेड कहानी कहा है। भूल भुलैया 2 भी कार्तिक ने ही हिट करवाई दी। अगर इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो है कार्तिक, क्योंकि नेपोटिज्म के बाद अगर कोई एक्टर है जो इस समय बॉलीवुड में सर्वाइव कर रहा है और वो जैसा था अभी तक वैसा ही है, कार्तिक ही है, तो इस पर ओपिनियन देंगे, लेकिन इसको देखने के लिए रिकमेंड जरूर करूंगा। सुशांत के साथ जैसा हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मूवी का प्लॉट ट्रेलर देखकर साफ समझ आता है कि एक घर में एक निकम्मा लड़का है, बट आज की बात करें तो सारे ही निकम्मे बॉलीवुड में, ना तो इनके पास अच्छे एक्टर है और ना ही अच्छा कंटेंट। अब गुजराती घर में एक लड़का निकम्मा है, चलो बॉलीवुड दिखा रहा है तो मान लेते हैं, बस जैसे तैसे वो शादी कर लेता है और लड़के की एक प्रॉब्लम है कि उसे सच बोलना आता है और वो सीधे मुंह पर सच बोल देता है। वहीं कियारा का सीन डिफरेंट है, वो दिमाग से बात करते है, बस वही होगा एक वो सीन जहां पर ये कहानी लेगी एक इंटेंस मोड। फैमिली एंटरटेनर है, आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसको ट्राई करना बनता है। वैसे भी अब बॉलीवुड में कोई दम बचा नहीं है, बड़े स्टार रीमेक करने में लगे हुए हैं, मूवी के नाम पर कॉमेडी कर रहे हैं। बस ये लगता है कि ये मूवी चलेगी क्योंकि कार्तिक के फैंस लॉयल है और ये जब रीमेक भी करता है तो लोगों को पसंद आती है। ट्रेलर देखकर सही लगा, फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर लग रही है, टीवी सीरीज टाइप ड्रामा लग रहा है, जो लोग टीवी सीरीज पसंद करते हैं उन्हें जरूर अच्छी लगेगी। बस एंड में इतना ही, 29 जून को होगी रिलीज कार्तिक आर्यन ने लीड रोल में। और हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि कार्तिक की स्क्रीन प्रेजेंस इसमें बहुत सही लग रही है, तो पूरी फैमिली के साथ इसको ट्राई करना। बाकी बात और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।